खत्म हो गई बीसीसीआई की मीटिंग। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए घोषित हुई भारत की वनडे टीम। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों बीसीसीआई ने हाल में ही विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को टीम इंडिया की इस बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा है। लेकिन साउथ अफ्रीका दौरे से ठीक पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से ठीक पहले ही इंजर्ड हो गए हैं। अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि रोहित शर्मा वनडे सीरीज से भी लगभग बाहर हो सकते हैं। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत के एकदम नई वनडे स्क्वाड का ऐलान होता हुआ दिखाई देने वाला है, जहां पर चोटिल रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे। अगर बात करें कि आखिर साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में कौन कप्तानी करेगा, तो यहां पर वनडे सीरीज में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की स्क्वाड पर नजर डालें, तो केएल राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज हमें दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आने वाले हैं। वहीं स्पिनर की भूमिका में रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल हमें नजर आने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तेज गेंदबाजी की, तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद कुछ इस तरह की हो सकती है भारतीय टीम की वनडे स्क्वाड। दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपके मुताबिक भारतीय वनडे स्क्वाड कैसी होगी। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।